We are back with the another vlog. बहुत active हो गया हूँ यार मैं. ए, तुमने तो वैसे छत पहली बार देखी है हमारे घर की. तुम सुबह नहीं सोए हुए थे तो सोना भी लाजमी था. ओए, अभी तक नींद आ रही है? जब आपके साथ बच्चा हो तो फिर आपको नींद ही नींद आती है. ओए, ये क्यों खुश हो रहा है? अबे भाई के करके हो गई है. आओ अब मैं और मेरी बेगम हम दुनिया घूमेंगे और तुम्हें अपने साथ लेके. आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दैट. मुझे ना ये चीज तंग करने लगी थी कि यार मेरी ग्रोथ हो रही है इसमें नहीं हो रही. पैसे तो आ रहे हैं, फेम आ रही है, ऑडियंस सब चीज परफेक्ट है. पिछले कुछ दिनों से मेरी एक YouTube पर वीडियो वायरल जा रही है. तकरीबन 10,000 11,000 मैक्सिमम व्यूज आए हैं अभी तक और 100 के करीब कमेंट आए हैं डक्की के हक में और दोस्तों को गालियां दी जा रही है डक्की के हक में कमेंट आ रहे हैं. भाई आज मैं फिर वही बात करने जा रहा हूँ. डक्की और मां सफदर से बेहतर यकीन जाने इरफान जुनेद जो है और दूसरा एक और बंदा है शहर में दिहार, उसके भी लोग सिर्फ पेट्स के रिलेटेड होते हैं. और इरफान जुनेद जो बिल्कुल भी अपनी फैमिली को शुमार नहीं करता अपनी व्लॉगिंग में. और वैसे भी असूल यही है, आपकी सोशल लाइफ में आपकी फैमिली का क्या काम है, एक असूल की बात है. अगर आपको बुरा लगता है ठीक है, मैं अपना नज़रिया पेश कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट में आके आपको किसी को गालियाँ बकने की या क्या ज़रूरत है आपको इस तरह से फालतू बातें करने की. आज मैं फिर भी वही बात करूँगा, आप गालियाँ दे रहे हैं दिए जाए हक में, उसके बाद करे जाए, मुश्किल नहीं है. नज़रिया मेरा फिर भी वही, डक्की से बेहतर और मां सफदर से बेहतर इरफान जुनेद जो है और दूसरा शहर में देहात जो भी लोग बनाता है. बस